तो बज रहे 9 एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, जो मौसम है ना भाई यार, मौसम हो रखा है ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। और मैं अभी तक थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ और रात को लेट हो गया था क्योंकि बैग पैक करना था। अभी मेरा बैग पैक हो रहा है, सारा सामान पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो इनका तो हो गया है, यहाँ पे पड़ा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रह गया है। लड़कियों का सामान वैसे बहुत ज्यादा होता है। मेरी एक जैकेट रह गई है, मोटी वाली जैकेट है, वो देखेंगे, बैग के अंदर डालेंगे, जूते है, बहुत सारा सामान है भाई, कुछ पता नहीं कहाँ रखना है कहाँ नहीं। तो सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है भाई, प्रोग्राम कुछ पता नहीं है अभी। एक्चुअली क्या है, दोनों सिस्टर्स जो है उनके बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है एंड एक का एग्जाम है। अराउंड अराउंड निकलेंगे 9:30 या 10 बजे तक। तो हम भी सोच रहे हैं 9:30-10 बजे तक ही निकले। हमारा तो यहाँ से पास में ही है, मीटिंग पॉइंट जो रखा है कुरुक्षेत्र में जो है नीलकंठ, तो आपको बताएंगे। वहां पे नीलकंठ है, दोनों साइड है, लेफ्ट एंड राइट एंड साइड, आते वक्त भी जाते वक्त भी, तो दोनों साइड है, दोनों साइड आप रुक सकते हो। पहले अभी बैग वैग पैक करते हैं, जैसे निकलते हैं आपको जरूर बताते हैं। सो फाइनली भाई गाड़ी हो गई है हीटअप और हम निकलने के तैयार है। भाई बैग देख सकते हो पूरा भरा पड़ा है, पीछे का मेरा देखने के लिए मैंने पीछे सामान रखा नहीं है। एक दिक्कत हो गई है, इसका पोल्यूशन जो है वो एक्सपायर हो गया 1 महीने पहले ही तो ये दिक्कत हो गई। जाते जाते देखते हैं कोई मिल जाए, वैसे पेट्रोल पंप है उधर की साइड, तो जाते जाते देखते हैं, अगर वहां पे मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट्स सी क्या होता है, क्या कहते हैं। लेकिन पापा को नहीं बताना भाई, पापा देख लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जा देख ही लेंगे, क्या पता ही चल ही जाएगा पापा को। दिक्कत हो गई है, आरपीएम सेट हो गया। चलो भाई अभी मम्मी पापा आते हैं फिर निकलते हैं। देख रहा हूँ यहाँ पे भाई साहब, हाईवे पे रेड लाइट बना रखी है, और हाईवे पे रेड लाइट बनाने का क्या मतलब है पता नहीं। हाईवे जेब्रा क्रॉसिंग है वो, तो ऊपर से फुट ओवर ब्रिज बनाया ना, ये क्या बना रखा है, क्या बंदे है भाई। नॉर्मल रोड थोड़ी ना, हाईवे है भाई, 90-100 की स्पीड है, उसमें भी इन्होंने वो बना रखी है लाइट है। पोल्यूशन वाले भैया के पास है गाड़ी, स्टार्ट पड़ी है, पोल्यूशन करवा रहे हैं। पापा ने भी कुछ बोला नहीं अभी मेरे को, पापा ही बैठे हुए शांति से। पापा ने बोला भी था मेरे को कि भाई करवा लियो, ये फास्टैग करते तो है लेकिन फास्टैग है नहीं किसी नाम का। सारे लोग भाई ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे, कौन सी येलो लाइन है, येलो लाइन के बाद 3 मिनट का रेस्ट नहीं है, क्या है क्या नहीं समझ ही नहीं आता, बेकार है भाई जो चीज़ें। वो लाइनर चेंज कर रहे भाई गाड़ी वाले भी, और ये देख कहाँ से आया भाई HR नंबर वाला, पीछे से मेरे पीछे से आया, राइट में लगा दी, क्या लाइन चलने का नाम ही ले रही है भाई। चलता रहे ना तो ठीक रहता है, वही होता है फास्टैग भाई, गाड़ी कम से कम 20-30 की स्पीड से निकले वो फास्टैग होता है। ये पता नहीं कहाँ स्लो कर देते 10 की स्पीड पे, 5-10 की स्पीड पे, फिर ये फास्टैग है। फास्टैग का मतलब ही क्या हुआ फिर। तो भाई नीलगढ़ पहुंच गए हैं और गाने वाने चल रहे थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। ये रहा मेरा रिश्ता, यहाँ पे मैं कॉफ़ी वॉफी पीता हूँ हमेशा जब भी आता हूँ। तो मैंने मंगाया था पाव भाजी, इन्होंने मंगाया है ये फ्राइज एंड सैंडविच। पापा मम्मी भी टेस्ट कर रहे हैं, पापा को तो पाव भाजी बड़ी अच्छी लगी, मेरे को पाव भाजी बहुत बढ़िया लगी। बाकी और सामान भी आ रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। मम्मी लोगों ने मंगाया समोसा, एक ही समोसा काफ़ी था, और चाय आ गई हमारी। चलते हैं भाई, पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं, जरा यू नो मेंस नेचर कॉल्स वही। अभी हम रुके थे यहाँ पे जस्ट, वो पीछे पीछे ये सारे फैमिली वाले, जो भव्य आपको भव्य पता ही होगा कौन है वो, और साथ में मेरे जो बीच वाली दीदी है वो दोनों है। देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे लाइव लोकेशन मैंने भेज दी है, बट फिर भी एक बार पता चल जाएगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और ये हमारी गाड़ी, शोर आ रहा होगा इग्नोर मत करना शोर आ रहा है, सारे ब्लॉगर कहते हैं शोर आ रहा है इग्नोर करना, लेकिन इग्नोर मत करना, आ रहा तो आ रहा है। दोनों जने बैठे हुए हैं यहाँ पे, शहीदी दिवस बनाया जा रहा है उसके लिए यहाँ पे खाने पीने। भाई पंजाब में एक बात तो है कि भाई खाने पीने की दिक्कतें आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पे हर कोई सेवा करने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो आपको अगर सेवा चाहिए भाई, हेल्प आउट आपको पंजाब ज़रूर करेगा चाहे जो भी हो, इसलिए पंजाबी है, पंजाबियों पर गर्व है। हाईवे होता है भगाने के लिए गाड़ी, यहाँ रुकने के लिए मिलता है भाई हाईवे पे। पंजाब वाले हाईवे पता नहीं 2 बार रोक चुके हैं, खन्ना पे रोक चुके हैं और ये दोराहा आया अभी। अब यहाँ पे पता नहीं बैरियर लगा है या लंगर लगा है, समझ नहीं आ रहा। अगर लंगर लगा है तो भैया ठीक है, अगर बैरियर लगा है तो भाई पता नहीं क्या है, किस बात का लगा है वो नहीं पता। नए साल पे भाई लुधियाना वालों ने आखिरकार बनाई थी रोड, अब ये रोड ऐसी थी, रोड कम गड्ढे ज्यादा थे यहाँ पे। गाड़ी अभी तो खैर 80 की स्पीड पे चल रही है, पहले 60 की या 50 की स्पीड होती थी, उसका मिनट के बाद गड्ढे आ जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ रोड अच्छी बनाई है।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुपुरे पंज प्यारे। तो फाइनली भाई हमारी किस्मत में था और हमारी किस्मत अच्छी थी और हमें लड्डू मिल गए भाई। हमारी किस्मत ही किस्मत थी, तीन लड्डू और मिल गए हमें। पीछे वाले को शायद से नहीं मिला था, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा कि वो बंदा दोबारा वापस आया, भागता भागता डब्बा लेके आया था। दूसरा कोई आया था भाई, जल्दी जल्दी उसने दे दिए। मैंने भी चीजा खोल के ले ली, मैंने भी चीजा खोल के ले ली, मैंने लाते क्या बुराई शादी है ना भाई। हमारी किस्मत का ही था भाई, सारा पैसा हमारी किस्मत का था वो। अब ये किस्मत किसी और की चमकेगी, अब वहां जाके देंगे सबको बांटेंगे अब यही। तो बात ऐसी है, हमें लगा था कि गड्ढे भर चुके हैं, लेकिन गड्ढे भरे नहीं है, अभी भी ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो भैया लुधियाने वालों, कोई तो कुछ करो इन गड्ढों का, गड़के वड़के तैयार कराओ, कुछ तैयार नहीं है। देखो ये आगे गड्ढे, ये देखो अब ये गाड़ी मेरी 50-60 पे चलती रहेगी, इतने गड्ढे आएंगे। मेन रोड ही नहीं है क्या पहाड़ पे, हम क्या ऊपर नीचे होती रहती है रोड। गाइज ये मेरी भांजी बड़ी वाली, और एक गाइज और मिलाएंगे गाइज से, जो कि हमारी बहुत बड़ी यूट्यूबर है और स्नैपचैटर है। प्लीज मीट हिमांशी। यो गाइज, वेलकम टू माय चैनल बैक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं घर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आपको दूसरा घर दिखाएंगे, वो बहुत ही और ज्यादा सुंदर बना हुआ है, वो इन्हीं का ही है, अभी अभी लिया है। बातचीत देख रहा लौंडों की। तो बाकी जो लोग है वो आ रहे हैं, बाद में आएंगे, मतलब अभी पीछे पीछे ही है, जस्ट एंटर कर जाएंगे थोड़ी देर में। जब तक वो आते हैं तब तक हम थोड़ा बैठ के आराम विश्राम करते हैं। और देख सकते हैं आप भाई, हमारी नेक्स्ट पार्टी आ गई है। कैसा है। ओ गाइस गाइस, हमने पकड़ लिया गाइस, इन चोरों को पहले पकड़ लिया। हेलो भाई, हेलो, क्या हाल चाल है? मैं तो यही था, मैं तो गया हुआ था। अभी रोशनी बंद कर इसकी। चलो पहले बात, क्या गरीब वाला फोन है मेरा। आगे हमारी दूसरी पार्टी आ गई है। कैसे हैं, कैसे है भाई साहब? भाई हमने प्रसाद तुम्हारा संभाल के रख लिया था। प्रसाद ये वाला, ये रहा। खा, हमने खा लिया था, हमें चार लड्डू देके गया पहले, उसके बाद फिर तीन लड्डू और देके गया हमें। भाई वो तीन परिवार वालों के लिए था, तीन की फैमिली थी भाई। दो ब्लॉगर आ चुके इस घर में, और तमाशा आप देखोगे बहुत बढ़िया बढ़िया वाला। और जो मेरे से छूट जाए आप उसके ब्लॉग में देख सकते हो, और जो उससे छूट जाए वो मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, समझ लो। आधा सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से जल्दी, समझ में आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ के इस घर के ओनर आ चुके हैं, वो देखिए, और एक ओनर बाहर है। तो ये पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है और करवाई गई है इनके द्वारा। श्रेय इनको जाता है और सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाता है। बाहर गया था व्लॉग बनाने, सामान धो के ला रहा है। जी हाँ, देखो ये मिलने वाले लोग देखिए, प्रूफ के साथ वो अभी तक पहुंचे नहीं है, कोई बात नहीं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, एक फैमिली और आने वाली है और जल्दी आएगी, जल्दी पहुंचने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दूसरे जो बीच वाली फैमिली है, जो छोटी बीच वाली दीदी है, वो आपको दिखाएंगे। भाई फर्स्ट शॉपिंग हो चुकी है हमारी लुधियाना से, और बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं अभी घर की ओर। केक वेक हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधा घर और सरप्राइज करेंगे सबको। गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पुलिस वाले अंकल है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम हम यहीं पे इसी रोड पे खड़े थे और ट्रैफिक ऐसी ही था, सारी तरफ हलचल मची हुई थी, और क्या हुआ, ये ट्रैफिक वाले अंकल जो है वो भग लिए, और उसके बाद जो हुआ वो हमें पता है, हमें एक्सपीरियंस हुआ है बहुत गंदा वाला। सारे लोग ऐसे, यू नो, चीनी गिर गई हो और मधुमक्खियां चपट गई हो उसके ऊपर, तो वही सीन हुआ था, चींटियां ऐसे आ गई थी और निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था हमारा। कुछ पता नहीं है, मेरे ख्याल से 8:30 हो गए, टाइम पता क्या हुआ, 7 हुआ ना, 8 बजे तक निकल लेंगे सारे, ये देख ले। हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है, हम आपका वेलकम करते हैं हैप्पी न्यू ईयर में। सो मिलिए हमारे आदि साहब, गिन्नी साहब और मेरी बहना से, बाकी जिया जी साहब से मिलवाते हैं, अभी वो गाड़ी पार्क करने गए हैं, तो बाकी मिल मिलाप हो जाए थोड़ा सा, बाद में मिलते हैं। भाई हमने तो चार लड्डू खाए, 4 लड्डू पेट में गया, और ये तुम्हारे सबके थे, ये अलग अलग परिवार के 3 लड्डू आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा इनका परिवार नहीं रहना चाहिए, इनके परिवार को भी देना चाहिए। ओके गाइस, ऑल सेट अप।
तो भाई देख चुके हो आप, हमारे बर्थडे बन चुका है, हमारा नहीं सॉरी मेरी वाइफ का बर्थडे बन चुका है, बीबी मैम साहब का। तो हम ब्लॉग का ही एंड यहीं करते हैं और सब केक खाने लगे हैं और सब बैठ के अब थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे। जो ग्लिम्स है वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, मतलब दूसरे ब्लॉग में इसी ब्लॉग में एंड में मिलेंगे। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखना भाई और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।